So good morning students, it is video number 6 of chapter metals and non-metal, class 10th, and today we discuss about the reactivity series and the ionic compounds and the covalent compounds. So first of all, आपकी सबकी NCERT book में या आपके पास कोई भी extra book है तो उसके अंदर एक activity series और reactivity series के नाम से एक table आपको given होगी. उसके अंदर कुछ metals के नाम mention होंगे और vertically column में होंगे वो top to bottom की ऐसे form में वो mention होंगे. तो ये एक्टिविटी सीरीज क्यों कहते हैं इसको, या रिएक्टिविटी सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें सीरीज ये बताती है कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है और कौन से मेटल की रिएक्टिविटी मॉडरेट है, मतलब इंटरमीडिएट है, ठीक ठाक है, ना ज्यादा रिएक्टिव है और ना बहुत कम रिएक्टिव है. तो ये ऐसे इसमें लिखी हुई है, यहाँ पर यहाँ हमने सिंबल मेंशन किए हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ये SN सिंबल किसका होता है, टिन, लेड, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मर्करी, सिल्वर, Ag, Au, गोल्ड, Pt, प्लेटिनम. तो ये सिंबल ऐसे लिखे हुए हैं. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज इस हिसाब से बनाई गई है कि जैसे जैसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, ऐसे डाउन जाते चले जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी. मींस जो सबसे ऊपर है वो हाई रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है, पोटेशियम. बेसिकली यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को रेड मार्कर से मेंशन किया है, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एटम मेटल्स हैं ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और ये जो हाइड्रोजन से नीचे लिखे हुए हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है. हम चाहे तो इस रिएक्टिविटी के कुछ कुल मिलाकर 3 पार्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये टॉप पार्ट हो जाएगा, ये एक नीचे वाला पार्ट हो जाएगा और ये बीच का पार्ट हो जाएगा. तो ये जो ऊपर के टॉप 4 है ये हाई रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे के हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है, और जो बीच के हैं ये मिडल रिएक्टिव है, इंटरमीडिएट इनकी रिएक्टिविटी है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है. अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, ये इस बात की श्योरिटी है, 100% श्योर है कि आपके फाइनल एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसी रिएक्टिविटी पे सॉल्व होंगे. जब तक ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं होगी तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है. तो ये ऑर्डर आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा इनका, कि पहले पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. तो आप कहोगे सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक है हमारे पास, और कई बार क्या होती है इनको थोड़ा बहुत इंटरचेंज भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट द मेन प्रॉब्लम. तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट बनाया है जिसकी हेल्प से हम इसको याद कर सकते हैं. तो वो शॉर्टकट है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, I need to like her call most smart good product. तो देखो please potassium, stop sodium, stop से word बना, calling calcium, me magnesium, A से बना aluminium, zebra के Z से बना zinc, I for iron, need nickel, two T से बना tin, like L से बना lead, her H से बना hydrogen, coal इससे बना copper, most के M से बना mercury, smart के S से बना silver, और good के G से बना gold, और product के P से बना platinum. तो इस प्रकार ये हम शॉर्टकट ऐसे लर्न कर सकते हैं. तो दोबारा मैं एक बार शॉर्टकट रिपीट कर देता हूं, please stop calling me a zebra, I need to like her call most smart good product. तो कभी भी आपको दो एलिमेंट, दो मेटल के नाम मेंशन कर दिए जाएं, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, और कौन कम रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा. जैसे वो कह दे जिंक और आयरन में से कौन मोस्ट रिएक्टिव, तो देखो जिंक और आयरन में जिंक ऊपर है बट आयरन नीचे है, तो जिंक मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होगा और आयरन कम रिएक्टिव होगा.
बट इसी आयरन को अगर हम कॉपर के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि आयरन इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो मीन टू से जब भी आपको दो मेटल कंपैरिजन करने हो तो आप हमेशा ये देखो कि जो मेटल ऊपर होगा वो हाई रिएक्टिव, जो मेटल नीचे होगा वो लिस्ट रिएक्टिव। तो इसके लिए जैसे आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए, मान लो आप कॉपर को FeSO4 के सोल्यूशन में डिप करते हो, कॉपर मेटल को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो देखो आयरन भी मेटल है कॉपर भी मेटल है, तो ये कॉपर इस आयरन को इसी के साथ सॉल्यूशन से रिमूव कर पाएगा कि नहीं, डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, मींस टू से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो देखो कॉपर और आयरन में से आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो कॉपर यहां से आयरन को रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे क्या लिखोगे आप, नो रिएक्शन। आपके पास पेपर में चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन में नो रिएक्शन दे देगा और तीन में रिएक्शन लिख देगा। तो ये इसका आंसर आप तभी तो दे पाओगे जब आपको पता होगा कि कॉपर और आयरन में से कौन रिएक्टिव है, ज्यादा कौन रिएक्टिव है, और इसका आंसर तब दे पाओगे जब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगी। रिवर्स क्वेश्चन आ जाए कि Fe को ऐड किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो देखो अब आयरन जो है ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस करेगा, FeSO4 बनाएगा प्लस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।